This video is not made for kids. Good morning बच्चों, कैसे हो? खाता हूँ मैं मोमो चटनी लगा के। आज पढ़ेंगे हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तैयार हो जाओ, फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लो। खाता हूँ मैं मोमो चटनी लगा के। सर, इतनी सुबह सुबह आपको आखिर मोमोज मिले कहाँ से? मैं तो आस पास देखता रहता हूँ स्कूल के, कहीं पर भी मोमोज नहीं मिलते इतनी सुबह। ए चीकू के बच्चे, मोमोज की दुकान खोलनी है क्या तुझे? चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे आज बच्चों हम लोग। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होती और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं होती। बस खत्म चैप्टर। चलो बच्चों, कल टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर लेना। ये क्या पढ़ाया सर ने, कुछ भी समझ में नहीं आया। मोटूलाल, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? अरे चीकू, चिंता मत करो, मुझे भी सर का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तो मैं मन्नू भैया से पढ़ता हूँ, तुम भी उन्हीं से पढ़ा करो। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत आसानी से समझाए हैं उन्होंने। तुम्हें पता है, अगर मैं ये बोलूँ कि मोटूलाल और चीकू ने समोसा खाया, ये हो जाती है हमारी एक्टिव वॉइस। अगर इसे ही पैसिव वॉइस में बदलना है तो समोसा खाया गया मोटूलाल और चीकू के द्वारा, ये हो गई हमारी पैसिव वॉइस। समझे चीकू? बहुत ही सिंपल है, लेकिन मन्नू भैया से एक बार इसे जरूर पढ़ो। तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आखिर एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, इनको समझने से पहले एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होती है ये समझना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट, दूसरी चीज़ वर्ब, तीसरी चीज़ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, आई एम ईटिंग मोमोज, मैं क्या खा रहा हूँ? आई एम ईटिंग मोमोज। तो यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ कि मोमोज इज ईटन बाय मी, तो ये गलत होगी। इज बीइंग ईटन बाय मी, तो ये सेंटेंस अब सही हो जाएगी। तो ये दो मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं, ये दोनों ही सेंटेंस का मतलब तो सेम ही है कि मैं मोमोज खा रहा हूं, मोमोज को मैंने खाया, सेम ही बात है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी सेम ही बात है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं। देखो, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, किससे? सब्जेक्ट से। जैसे कि क्या, ऑब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब कौन से फॉर्म में आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और सब्जेक्ट। अब ये जो हमारी फॉर्म है ये आपको लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ये आगे जाकर हमारे काम आने वाली है। अभी समझते हैं इसको। देखो, मोमोज इज बीइंग ईटन बाय मी। अब जो मोमोज इज बीइंग ईटन बाय मी मैंने सेंटेंस बोली है, इसके अंदर मोमोज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। ईटन क्या है? हमारा ईटन इज अवर वर्ब। और मी क्या है? मी है सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये जो हमारी सेकेंड वाली सेंटेंस है, ये वाली कौन सी सेंटेंस है? दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। और जो फर्स्ट वाली है वो कौन सी हो गई? एक्टिव वॉइस वाली। और एग्जांपल्स देखते हैं। द बुक वॉज रीड बाय चीकू इन वन डे, तो यहां पर किसी बुक की बात हो रही है जिसको चीकू ने एक दिन में पढ़ा है। तो जो बुक है, बुक क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। रीड क्या हो गया? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीड क्या हो गई? एक तरीके की एक्टिविटी हो गई। और चीकू क्या है? हमारा चीकू इज सब्जेक्ट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है हमेशा कि पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। दिस इज टिप नंबर वन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहां पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें वर्ब्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स याद नहीं होंगी, ये उनके लिए चार्ट है। अब ये जो चार्ट है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं। सारे के सारे वर्ब्स नहीं है लेकिन मोस्ट कॉमनली वर्ब्स हैं, उनको आप लर्न कर सकते हो, जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। किसके साथ? हमारी पैसिव वॉइस के साथ। अब आगे चलते हैं स्पेशल जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। इफ इन एग्जाम
यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ऑलवेज सीक फॉर द ऑप्शन विद बीइंग। अब एग्जाम के अंदर अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है जो कि कंटिन्यूस टेंस का है और वो एक्टिव वॉइस के अंदर है और बोला जाता है कि एक्टिव वॉइस के आपको दिया है क्वेश्चन, अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर बीइंग ऑप्शन के अंदर दिया होगा। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें ये बोला गया है सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो मतलब कि क्या कि हमें ये सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में दिया, अब हमें किस में कौन सी सेंटेंस चूज करनी है नीचे वाले ऑप्शंस में से, पैसिव वॉइस वाली। तो पढ़ते हैं हम लोग, पबजी इज प्लेड बाय अस, पबजी वॉज प्लेड बाय अस, पबजी इज बींग प्लेड बाय अस, पबजी प्लेड बाय ऑल ऑफ अस। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था टिप नंबर वन के अंदर, कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो एक्टिव वॉइस के अंदर और कॉन्टिन्यूस टेंस हो और हमें उसे पैसिव में बदलना हो पैसिव वॉइस के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है कि बीइंग वाला ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो यहां पर कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा, बीइंग वाला। आपको क्या करना है, बीइंग वाले ऑप्शन को टिक कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट, तन्वी इज यूजिंग इंस्टाग्राम, क्या चीज यूज कर रही है तन्वी, तन्वी यूज कर रही है इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम इज यूज बाय तन्वी, इंस्टाग्राम वॉज यूज बाय तन्वी, इंस्टाग्राम यूज बाय ऑल ऑफ अस, इंस्टाग्राम इज बींग यूज बाय तन्वी। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बींग कहाँ पर है, इस वाले में है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको थोड़ी बहुत टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो इतना तो आप समझ ही जाओगे कि अगर यूजिंग लिखा है तो मतलब क्या है, ये चीज कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, ये चीज कंटिन्यू हो रही है, तन्वी अभी भी इंस्टाग्राम का यूज कर रही है। तो उस वाले केस में आपको हमेशा बींग वाला ही ऑप्शन चुनना है ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वर दे वॉचिंग द WWE मैच। तो यहाँ पर वेयर वर दे वॉचिंग, वॉचिंग मतलब कि ये चीज, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टेंस में है, कंटिन्यूस टेंस में है और हमें क्या चीज चूज करनी है अब यहाँ पर, पैसिव वॉइस में। तो हमें ध्यान रखना है क्या थी टिप, कि जहाँ पर भी बींग होगा वो वाला आंसर सही होगा, वही हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट वाले में है क्या बींग, नहीं है। सेकेंड वाले में बींग है, नहीं है। थर्ड वाले में बींग है, नहीं है। फोर्थ वाले में बींग है, बिल्कुल है भाई साहब, आंसर आपका करेक्ट है। अब आपको कहीं पे भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CBI आर क्वेश्चनिंग चीकू एंड मोटूलाल। अरे मोटूलाल और चीकू ने ऐसा क्या कर दिया कि CBI ही क्वेश्चन करने लग गई इन लोगों को, देखते हैं अभी। तो चीकू एंड मोटूलाल आर क्वेश्चन्ड बाय CBI, चीकू एंड मोटूलाल हैव बीन क्वेश्चनिंग द CBI, चीकू एंड मोटूलाल आर बींग क्वेश्चन्ड बाय द CBI, चीकू एंड मोटूलाल हैव बीन क्वेश्चन्ड बाय द CBI। अब यहाँ पर बींग कहाँ पर यूज हुआ है, सर यहाँ पे यूज हुआ है। क्या ये सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में थी, बिल्कुल थी। CBI मोटूलाल और चीकू से सवाल पूछ रही है का मतलब अभी भी ये चीज चल रही है, इट इज इन कंटिन्यूस टेंस। तो हम लोग जब भी कंटिन्यूस टेंस में हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो बींग का यूज करना होता है, दिस इज कंपलसरी। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, टिप नंबर वन को आप फॉलो करोगे, जिसके अंदर सिंपल टिप नंबर वन का मतलब यही है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन दिया है कंटिन्यूस टेंस के अंदर और आपको पैसिव वॉइस में उसे या तो चेंज करना है या फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन के अंदर हमेशा आपको चूज करना पड़ेगा बींग। कन्वर्ट भी आप इसी तरीके से करोगे जैसे पबजी इज बींग प्लेड बाय अस, तो इसी तरीके से हम लोग कन्वर्ट भी कर देते हैं। टिप नंबर 2, किसी एक्टिव वॉइस में अगर हैज, हैव, हैड का यूज हो रहा है तो वो परफेक्ट टेंस की होगी, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो। उसके अंदर अगर हैज, हैव और हैड का यूज हो रहा है तो मतलब वो परफेक्ट टेंस है। दूसरी चीज, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, तो वर्ड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो ऑलरेडी इन सेंटेंसेस के अंदर यूज होती है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है सर इसके अंदर, ये सब तो रही हमारी कंसेप्ट वाली चीजें, इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव, हैड होगा वहाँ पर बीन को देख लेना और टिक कर देना, आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। मतलब क्या,
अभी देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द स्कूल हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम इन सिटी। अब यहां पर देखो फटाफट इस सेंटेंस को रीड करा, तो क्या है इसके अंदर, हैज है, और हैज का मतलब क्या है कि हम लोगों को अब आंसर के अंदर किसको ढूंढना है, बीन को ढूंढना है। फटाफट देख लेते हैं, क्या फर्स्ट वाली लाइन के अंदर बीन है कहीं पे? नहीं है, अजी ये आंसर नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरी वाली लाइन के अंदर बीन है कहीं पर? अरे हाँ, दूसरी वाली लाइन के अंदर तो है, ये रहा बीन। क्या फोर्थ थर्ड वाली लाइन के अंदर है बीन? नहीं है, फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। देखो कितना कम टाइम लगा। अब इंग्लिश आती हो चाहे ना आती हो, चाहे आप इसे ट्रांसलेट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, कर लिया ना आंसर, दो मिनट में फाइंड कर लिया ना। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। द प्रिंसिपल हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज टीम अबाउट हिज ऑर्डर्स। अब यहां पर ध्यान दो, हैड है मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि परफेक्ट टेंस है ये। अब बात हमें पता चल गई कि ये परफेक्ट टेंस है। दूसरी बात क्या पता करनी है हमें कि हैड वाले हम लोग अगर एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो जो उसका आंसर होगा उसके अंदर बीन लगा होगा। अब फटाफट जो भी हमें ऑप्शन दिया उसमें से क्या देखना है हमें, बीन को। क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर बीन है? अजी नहीं है। क्या सेकेंड वाले ऑप्शन के अंदर बीन है? अजी बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर बीन है? हाँ बिल्कुल, थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर बीन है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। बिना कुछ पढ़े बिना कुछ ट्रांसलेट करे सीधे सीधे हम लोग आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हैज है, हैव है, हैड है, तो वहाँ पर बीन का यूज़ ज़रूर हो रखा होगा अगर हम लोग एक्टिव वॉइस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, द स्कूल हैड नॉट अप्रूव्ड द न्यू बुक फॉर सेल। अब यहाँ पर देखो हैड का यूज़ हुआ है। हैड का मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस होने की वजह से ज़रूर जब हम इसे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो बीन का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इन ऑप्शंस में से कौन से वाले ऑप्शन के अंदर बीन का यूज़ हुआ है? क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर बीन का यूज़ हुआ है? देखो 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 देखो, बीन गिवन। सेकेंड वाले ऑप्शन के अंदर द न्यू बुक हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। फॉर द सेल ऑफ द न्यू बुक वी हैव नॉट बीन गिवन द अप्रूवल। फॉर द सेल ऑफ द न्यू बुक विल हैव नॉट गिवन द अप्रूवल। अब यहाँ पर तो अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शन में बीन लगा हुआ है। देखो यहाँ पर भी हमें बीन दे रखा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर भी बीन दे रखा है, और नेक्स्ट वाला जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर भी बीन दे रखा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा और टेढ़े किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम लोग कर लेंगे यार, बहुत आसान है। अब सबसे पहले देखो द स्कूल, द स्कूल क्या है यहाँ पर हमारा? स्कूल इज अवर क्या है ये हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारी? बुक। आ गया समझ में? ऑब्जेक्ट क्या है हमारी? बुक। तो बुक को भी हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, किस कलर से? रेड कलर से कर देता हूँ। चलो मैं बुक को हाईलाइट। अब ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि किसी भी एक्टिव वॉइस, मतलब कि ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस के अंदर लिखी गई है, इसे अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह। तो अब यहाँ पर देखो क्या फर्स्ट वाले के अंदर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, सब्जेक्ट अपनी ही जगह पर है। द स्कूल जो था वो वहीं का वहीं पर है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, द न्यू बुक हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। फॉर द सेल ऑफ द न्यू बुक वी हैव नॉट बीन गिवन द अप्रूवल। तो यहां पर गवर्नमेंट लिख दिया है मैंने स्कूल की जगह, तो यहां पर चेंज कर देते हैं स्कूल, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है आपको? देखो थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी स्कूल का मेंशन नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत। बी वाला ऑप्शन देखो, द न्यू बुक, इसके अंदर जो हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है, साथ में बीन का भी यूज हुआ है। तो बहुत ही आसानी से और सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाला हमारा आंसर
ठीक होगा, बहुत ही कम दिमाग चलाना पड़ा और उसी के अंदर हमें आंसर भी मिल गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, द पेन हैव बीन यूज्ड बाय द टीचर। सर ये तो पैसिव वॉइस लग रही है। बिल्कुल ये है पैसिव वॉइस। अभी एक पैसिव वॉइस के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, अब इसे किसके अंदर चेंज करना है हमें, एक्टिव वॉइस के अंदर। पढ़ो दोबारा क्या लिखा था, पेन हैव बीन, अब हैव यूज हो रहा है और बीन यूज हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये भी परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब इस परफेक्ट टेंस का हमें क्या करना है, इसे एक्टिव के अंदर चेंज करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बीन हटाना पड़ेगा। तो अब इन सेंटेंसेस में से हमें देखना है कि बीन किसके अंदर यूज नहीं हुआ। द टीचर इज यूजिंग द पेन, ये क्या हो गया, इज यूजिंग, यूजिंग, तो इस वाली सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि टीचर पेन यूज कर रहे हैं। तो मतलब क्या, टीचर पेन यूज कर रहे हैं, दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस, गलत। नेक्स्ट, द टीचर हैज बीन यूजिंग द पेन, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, द टीचर हैव यूज्ड द पेन, द टीचर हैज यूज्ड द पेन, तो इसमें से हम लोग लिखेंगे द टीचर हैव यूज्ड द पेन, ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसको आपको टिक कर देना है। और इसी तरीके से अगर आपको एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको उन्हें पैसिव वॉइस में करके चेंज करके आंसर कर देना है। ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था और इसको हमने एक्टिव के अंदर चेंज करा, और ये जो बाकी के क्वेश्चंस थे ये सब कौन से थे, ये सब थे एक्टिव वॉइस के, और इन्हें हमने चेंज करके आंसर दिया था पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, और ये देखो ट्रिक भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, टिप भी शेयर करी है, ये दोनों, इन दोनों टिप्स को आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। अब पैसिव वॉइस के अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और सब्जेक्ट था, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट कम फर्स्ट, तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले आता है, सब्जेक्ट कम्स बिफोर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सबसे आखिर में आता है, बीच में वर्ब वैसे का वैसा ही रहता है। आई होप अब आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए और सारी चीजें हमने आज कवर कर ली, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी हमने कवर करा है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बनके हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो, बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।